अब आज के तीसरे वक्ता मेरे दोस्त डॉक्टर आशिक अली बालोत हैं, और अपनी बात बहुत ही संक्षेप रूप में रखूंगा, इसलिए मैं पेपर भी नहीं पढ़ रहा। शुरू शुरू में जब इस हॉल में, इस प्रेक्षा गृह में एंटर हुआ था तो बड़ी मायूसी हुई थी कि यार आदमी तो तीन ही हैं और तमाम डाइस पर बैठे हुए लोग हैं, क्या कहूँ। कल ही अच्छा था, कल ही मेरा कुछ लेक्चर हो जाता, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक हुंकारा देने वाला हो तो कथावाचक अपना काम पूरा कर देता है। तो मैंने कहा यहाँ तो फिर भी तीन आदमी हैं तो मेरा काम तो हो ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आते गए, अब कुछ अच्छा भी लग रहा है। मैं बहुत कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन बहुत ही संक्षेप में कहूँगा, और इस नाते से भी कहूँगा कि दखनी से मेरा बहुत आत्मीय और गहरा रिश्ता है। अब आप ये सोचेंगे कि भई ये तो दखन का है नहीं, फिर इसका रिश्ता कैसा है। मैं उस इलाके का, मेवात का रहने वाला हूँ जिसने दखनी के रूप को संवारने में उसकी भी एक भूमिका है, तो इस नाते मेरा इससे रिश्ता है, बल्कि मैं इसे अपने पूर्वजों की धरोहर समझता हूँ, विरासत समझता हूँ और ऐसी पूंजी समझता हूँ जिसके बांटने से परिवार में लड़ाई नहीं होती। जेवर के बांटने से तो लड़ाई भी होती है, लेकिन जबान के बांटने से लड़ाई नहीं होती, बल्कि हृदय और विशाल होता है। तो मैं फिर अपनी बात पर लौटता हूँ, और मेरा जो पेपर था वो कुली कुतुब शाही कालीन गद सबरस पर है, और पेपर इस नाते से मैं इस सबरस पर कुछ अपने विचार प्रकट करूँगा कि ये हिंदी की पहली गद रचना क्यों नहीं बनती है। क्या एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि दखनी हिंदी है, हिंदी का एक रूप है, फिर आखिर ये हिंदी की रचना नहीं बनती। खाली कहने से ही कोई रचना अपनी रचना नहीं होती, बल्कि उसको अपनाना पड़ता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा विडंबना की बात यही है कि हमने इन रचनाओं को अपना तो कहा लेकिन कभी अपनाया नहीं। अपनाया क्यों नहीं? क्या इसके पीछे शुद्धतावादी नजरिया नहीं रहा? कौन सा शुद्धतावादी नजरिया है? क्योंकि हिंदी की जो आधारशिला आलोचना की रखी गई वो तो दोस्तों शुद्धतावादियों द्वारा ही रखी गई। वहां पहली शर्त ही थी नागरिक को महत्व देना, और जो शुद्धतावादी थे, चाहे वो आचार्य शुक्ल रहे हों, चाहे रामविलास शर्मा रहे हों हिंदी के, तो तय करने वाले दिशा यही शुद्धतावादी लोग रहे हैं। और जब ये शुद्धतावादी लोग हिंदी की दिशा तय करने वाले लोग रहे, तो उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली, जिसे हम पर्सियन स्क्रिप्ट कहते हैं, वो उसे कैसे भला अपनाते? यही सोचने की बात है और यही विडंबना की बात है। फिर आप ये सवाल भी कर सकते हैं, अरे आचार्य शुक्ल ने तो जायसी को अपनाया है, वो भी तो फारसी स्क्रिप्ट में थी। तो दोस्तों, उसके पीछे भी आचार्य शुक्ल का एक धारणा रही थी कि वो मुसलमान होते हुए उदारवादी था, गोया के मुसलमान उदारवादी नहीं होते। लेकिन मुसलमानों की भला कौन बात करे, यहां तो दलितों को ही नहीं अपनाते हिंदी वाले, तो दलित साहित्य को ही अपना नहीं कहते। वो तो भला हो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि उन्होंने कबीर को, लेकिन कबीर को भी साहब ऐसे नहीं अपनाया, उसे भी ब्राह्मणी का ऐसा पुत्र सिद्ध कर दिया जो ब्राह्मण से पैदा था। ये नहीं कहा कि वो जुलाहे का ही पुत्र है। ये सोचने वाली बात है वो शुद्धतावादी दृष्टि की। और दोस्तों, बात यही है कि जिस तरह से उन्होंने बात ही कही, आचार्य शुक्ल भी बात करते हैं, रामविलास शर्मा भी बात करते हैं कि उर्दू हिंदी की एक शैली है, लेकिन उसको कभी वो रखते नहीं, शैली जरूर बतलाते हैं। वैसे ही कबीर को उन्होंने बात की और कबीर को भी रामानंद से जोड़ दिया, जबकि दोनों के समय में बहुत फर्क था। और जो हिंदी की पहली रचना हो सकती थी, बल्कि हिंदुस्तानी की,
हिंदी की नहीं कहें, हिंदुस्तानी की हम कहें। ये रूप वो हिंदुस्तानी का है जो एक नया रूप बन रहा था, जो हिंदुस्तान को एक शक्ल दे रहा था, एक रूप दे रहा था। तो ज्यादा बात अच्छी होगी, बल्कि हम ये कहें कि हिंदुस्तान, अभी मेरे दोस्त रोहिताश ने एक बात कही थी कि बाबर ने जब दक्खन में यही हिंदुस्तानी का रूप प्रचलित था, बाबर तुझके बाबरी तुर्की में लिख रहा था, तो दोस्त बाबर तभी नया नया आया था, वो यहाँ के रूप को तब तक ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन उसका पोता अकबर तीसरी पीढ़ी में ही ब्रज भाषा बोलने लगता है, जबकि मेरे यहाँ तो कहावत है कि 7 पीढ़ी के बाद आदमी चेंज होता है, 7 पीढ़ी से पहले चेंज नहीं होता। तो मुगल तो बहुत पहले चेंज हो गए थे, वो तो अकबर तीसरी पीढ़ी में ब्रज भाषा बोलने लगा था, और उसी का वंशज जो बाबर बहादुर शाह जफर, वो कभी फरगाना की बात नहीं करता, वो 2 गज जमीन इसी हिंदुस्तान में तलाश और उसे न मिलने की तड़प की बात करता है, तो वो फिर हिंदुस्तानी थी। और दोस्तों, मैं इसी हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, और ये हिंदुस्तानी सब रस्में हमें दिखाई देती है। लेकिन क्यों इसको हिंदी की पहली कृति नहीं कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जो आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का गद का पूर्वाभास मध्यकालीन अनेक ब्रज भाषा की कृतियों में दिखाई देता है, चाहे वो विठलनाथ की श्रृंगार रस हो, नाभादास की अष्टयाम हो, या वैकुंठ मणि शुक्ल की पुस्तकें हो, या सूरति मिश्र के बेताल 25 हो, लेकिन बावजूद इसके उसका जो गद है वो बहुत विकसित नहीं था, ना वो परिमार्जित था। उसके बामुकाबले जो सबरस का गद है वो न केवल परिमार्जित है, बल्कि वो एक विकसित गद है, और वो एक ऐसा गद है जो हिंदी की, आने वाली आधुनिक हिंदी जिसको हम कह रहे हैं, उसकी दिशा तय कर रहा था। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि आचार्य शुक्ल का मानना है जो प्रथम गद्य लेखक थे वो राम प्रसाद निरंजनी थे, और राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वाशिष्ठ की रचना को वो पहली आधुनिक हिंदी गद्य की रचना मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें संस्कृत का रूप दिखाई देता है, ये याद रखने वाली बात है। हम उसका नमूना भी देख सकते हैं। प्रथम पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, जिसे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया, हे के भगवान, आप सब तत्वों और शास्त्रों के जान नहारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है, अथवा दोनों हैं, समझाई के कहो। यद्यपि बच्चन सिंह दूसरे इतिहास, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उन्होंने लगाया है, उन्होंने इसकी प्रामाणिकता को ही संदिग्ध ठहरा दिया है। तो ये हिंदी की सब रस इसलिए पहली गद्य कृति स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि वो संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं लिख रहे थे, वो उस जनभाषा में लिख रहे थे जिसको विभिन्न प्रदेशों की जनभाषा ने एक नया रूप दिया था, और नया रूप ही नहीं दिया, जो एक नया हिंदुस्तान बसा रहे थे। किस तरह से बसा रहे थे, या किस तरह से एक नया हिंदुस्तान का रूप प्रदान कर रहे थे? जैसा कि अभी रोहिताश जी ने कहा, या मिर्जा हाशिम ने कहा, कि उसमें गणेश की वंदना भी मिलती है, सरस्वती की स्तुति भी मिलती है, तो ये एक नया रूप था जो। और ये याद रखिए कि ये जितने भी दखनी के कवि थे, अगर इनकी आप वंशावली देखें तो ये सब पश्चिम से कह रहा हूं मैं, सेंट्रल एशिया से आए हुए या अरब से आए हुए लोग थे, ये ज्यादातर देशी मुसलमान नहीं थे। लेकिन क्योंकि इनकी लिपि जो थी वो फारसी थी, स्क्रिप्ट जो थी
उस स्क्रिप्ट का ही मसला था, वो नागरी न होने के कारण उनको हिंदी वालों ने विशेष महत्व नहीं दिया। और हमें इसी महत्व की बात करनी है, और जबकि वो कहते हैं कि जो गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद कुछ लोग रखे थे, वो लल्लू लाल जी और सदल मिश्र, उनसे हम ये शुरुआत मानते, या इंशाअल्लाह खान से, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से, कि उन्होंने इस गद को या हिंदी गद को एक व्यवस्थित या एक दिशा दी। मेरा इसके विपरीत ये कहना है कि हमें आचार्य शुक्ल की या दूसरे विद्वानों की इस मान्यता को खारिज करना होगा। खारिज ही नहीं करना होगा, बल्कि अब ये स्थापित भी करना होगा कि हिंदी गद को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अगर हम किसी को दे सकते हैं तो दखनी के गद्यकारों को दे सकते हैं। और अगर ये स्थापित नहीं कर सकते तो दोस्तों, मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं, समय ज्यादा ना लेते हुए, तो फिर बात ना करें, क्योंकि हम जो है बात ज्यादा करते हैं, अब भी हम बात ही कर रहे हैं, बल्कि जिस इश्क की बात मुल्ला वजही सब रस्म करते हैं कि इश्क, हमें दखनी से इश्क करना होगा। अगर हम दखनी से इश्क नहीं करते और उस इश्क के बरखे को नहीं खोलते तो दखनी को उसका उचित स्थान नहीं मिल सकता, क्योंकि बात करने से किसी भाषा को, किसी व्यक्ति को कभी स्थान नहीं मिलता, बल्कि किसी व्यक्ति से, किसी भाषा से इश्क करने पर ही उसको वो उचित स्थान मिलता है। और सबसे विडंबना की बात यही है कि हम ये इश्क कैसे करें, क्यों करें, ये इश्क क्यों करें, कैसे करें, तभी हो सकता है जब हम दखनी वालों को अपना ही समझें और हमारा ये दृष्टिकोण ना हो कि भाई इन्होंने तो फारसी लिपि में लिखा है। भाई उन्होंने फारसी लिपि में लिखते हुए भी गणेश को अपनाया है, सरस्वती को अपनाया है, यही तो होती है। दो संस्कृतियां जब मिल रही हो तो क्या दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, साहब आपने कितना मोहम्मद को अपनाया, कितना फातिमा को अपनाया, एक आध आदमी मिलेगा अगर आप कहें मोहम्मद पर लिखने वाला, रसखान किरशन पर लिखता है, रहीम लिखता है, उसी तुर्क का बेटा है जिसको अकबर को जो स्थापित करता है, लेकिन मोहम्मद पर लिखने वाले जब वो लोग भारी यहां इस धरती के लोग हो रहे हैं तो उनकी भाषा को हम अपनाते क्यों नहीं है। तो दोस्तों, फिर वही शुद्धतावादी नजरिया आता, आप विदेशियों को तो छोड़ो, आप तो उन भारतीयों को ही नहीं अपनाते जो आपके बराबर खड़े हुए नहीं है, जो बहुत ही निचले तबके के थे। बात करते हैं सब समझाने की कि ये कहा वो कहा, लेकिन हम कभी उस चीज को स्वीकार नहीं करते। तो हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव के इतिहास में सबरस के साथ मुल्ला वजी के रूप में ऐसे साहित्यकार का प्रवेश होता है जिसकी कलम में मस्ती, रंगीनी, सहजता, सरलता, दिलकशी और रसीलापन मौजूद होने के साथ साथ एक नए हिंदुस्तान के बनने का रूप हमें दिखाई देता। वो हिंदुस्तान जो आशिक का भी है, आचार्य शुक्ल का भी है, रामविलास शर्मा का भी है, मौलवी अब्दुल हक का भी है। लेकिन जब उस सब रस को आप मौलवी अब्दुल हक से जोड़ देते हैं, उस जबान को मौलवी हक अब्दुल हक से जोड़ देते हैं, उस जबान को उर्दू से जोड़ देते हैं, तो हिंदुस्तान की मुकम्मल तस्वीर नहीं होती।
अगर हमें हिंदी गद्य की या हमें हिंदुस्तानी गद्य की मुकम्मल तस्वीर बनानी है या एक ऐसे गद्य को प्रोत्साहन देना है जो गद्य सबका हो, जिसकी बात प्रेमचंद करते हैं, जिसकी वकालत राही मासूम रजा करते हैं, तो राही मासूम रजा या प्रेमचंद से पहले उसका रूप सब रस में स्थापित हो चुका था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमें इस रूप को न केवल बचाना है बल्कि इसकी अहमियत को भी रेखांकित करना होगा, और जब हम इसकी अहमियत को रेखांकित करेंगे तो हम हिंदुस्तानी तहजीब को बढ़ावा दे रहे होंगे, गांधी जी की उस तहजीब को बढ़ावा दे रहे होंगे, गांधी जी जिस हिंदुस्तानी संस्कृति की या हिंदुस्तानी भाषा की बात कर रहे थे, और वो हिंदुस्तानी तस्वीर एक मुकम्मल तस्वीर होगी और एक ऐसे भारत की छवि होगी जिसमें हम सबको अपना ही रूप दिखाई देगा, जहां गणेश आशिक को अपना दिखाई देता है, रस खान को कृष्ण अपना दिखाई देता है, और आचार्य शुक्ल को रेखता अपनी दिखाई दे, रामविलास शर्मा को उर्दू अपनी दिखाई दे, ना कि वो एक हिंदी की शैली दिखाई दे। बहुत ही संक्षेप में मैंने अपनी बातें रखी हैं और मैं आशा करता हूं इस पर हम फिर पुनर्विचार करेंगे, और पुनर्विचार करते हुए इसी भाव को रखा जाएगा, और निस्संदेह सब रस लोक संप्रकृति की दृष्टि से ऐसी कालजयी रचना है जो सूफियों की महान मानवीय दृष्टि से ओतप्रोत विचारधारा और लोक जीवन की सांस्कृतिक विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है, और हमें इस लोक सांस्कृतिक ये जो विरासत है इसी को बचाना है, क्योंकि यही विचार धारा महान है और यही हमें एक दूसरे से जोड़ती है, और तमाम विचारधाराएं जो एक दूसरे से काटती हैं, और तभी ये होगा एक तेलुगु भाषी सबरस में अपने आप को देखेगा, एक उत्तर भारतीय सबरस में अपने आप को देखेगा, आशिक अपने आप को देखेगा, तो आचार्य शुक्ल या रामविलास शर्मा के चश्मे से कृपया देखना बंद करें। और मैं चाहूंगा, हमारे दिलीप जी ने कल यही बात की थी, और किसने वो छतरी वाली बात की थी, वो छतरी वाली बात वही शुद्धतावादी बात है, तो इस शुद्धतावादी नजरिए को हमें छोड़ना होगा, और सबरस जिस सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है उसको हमें बचाना होगा। और भाई ये इसलिए भी है कि मैंने कहा था कि इससे मेरा बड़ा गहरा और आत्मीय रिश्ता है। हमारे यहाँ एक आज भी एक बड़ा दोहा मशहूर है कि दिल्ली शहर सुहावना जामे बरसे कंचन नीर, सुहावना जामे बरसे कंचन नीर, सुनो सखी सहेलियो फिर स्वागण होंगी जब बगदे आलमगीर। सबके कंठ जो है आलमगीर बटोर कर वो दक्षिण में ले गया, क्योंकि बहुत से मेवाती इस दक्षिण में भी आए थे, और मैं मेवाती होने के नाते मैंने कहा कि ये जबान आपकी नहीं मेरी भी है, इसकी विरासत आपकी नहीं मेरी भी है, और ये मेरे पूर्वजों की वो पूंजी है जिसका से मेरा अस्तित्व और मेरा वजूद यहाँ दिखाई देता है, ना कि मेरा वजूद दिखाई देता है बल्कि मैं रामविलास शर्मा की आंखों में आंखें डालकर या आचार्य शुक्ल की दृष्टि के विरुद्ध ये कहता हूं, माफ करना मुझे अपना ये वजूद ही प्रिय है, आपका शुद्धतावादी नजरिया मुझे प्रिय नहीं है। थैंक यू, मैंने बहुत बात ना कहकर।